फ्रेंड्स, ये हमारे पास 1 mm का तार का बंडल जिसको हम लपेटा बोलते हैं, और यहाँ पर इसकी जो लेंथ लिखी है वो 91 यानी कि 91 मीटर लिखी है। लेकिन यहाँ पर हम इसको नाप करके देखेंगे कि इसमें कितना झोल होता है, रियल में ये कितने मीटर होता है। दिखा इसका 90-91 मीटर होता है, लेकिन रियल में ये कितना होता है ये हम देखने वाले हैं। और ये हमारा 1 mm का बंडल है लपेटे का, और ये जो हमारा 600 रुपये का बंडल है आज की डेट में, तो इसको हम नाप करके देखेंगे। नीचे रख लेते हैं, और जो हमारा मीटर का साइज है वो यहाँ पर ये निशान लगा है, ये हमारा 1 मीटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 मीटर है, ये इसका फर्स्ट सिरा। इसको हम नाप करके देखते हैं फटाफट से, 21 22 31 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 57 58 59 60 80 मीटर भी पूरा नहीं है। चलो 80 मीटर मान भी लेते हैं तो 10 मीटर ये कम है। और यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं, 1 mm कॉपर लेंथ 91.44 मीटर, और ये कॉपर वाला है, और इसका जो वेट है 1 किलो 700 ग्राम है, वजन के हिसाब से भी होता है तो। लेकिन इस पर लिखा हुआ यहाँ पर 91 मीटर है, और ये जो है 80 मीटर भी पूरा नहीं है, 80 मान लेते हैं। अब ये 600 रुपये का बंडल है, और हमें 1 मीटर कितने का पड़ना चाहिए, 600 / 90 रुपये, तो आंसर कितना आया, 6 रुपये 66 पैसे का ये हमें पढ़ना चाहिए था। लेकिन जब ये 80 मीटर निकला है तो 600 और डिवाइडेड बाई 80 ही कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, 7.5 रुपये यानी कि ये हमें पढ़ना चाहिए था लगभग 6.5 रुपये का, और पढ़ा है ये 7.5 रुपये का, तो यहाँ पर लगभग 1 रुपये का डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पर 1 रुपये मीटर का नुकसान किसका हुआ, जो इसको फुटकर में बेचेगा। तब ये 80 मीटर निकलता है तो इसके ऊपर 80 मीटर ही लिखना चाहिए था, 90 मीटर नहीं लिखना चाहिए था, तो इतना वाला डिफरेंस आ जाता है इसको रियल में नापने में। ये तो फिर भी 80 मीटर निकल आया। कुछ तो ऐसे होते हैं कि 70 मीटर 65 मीटर 60 मीटर तक भी आ जाते हैं, 60 मीटर लिखा 90 ही होता है, लेकिन रियल में वो 90 मीटर की जगह 60 मीटर निकलता है। मैंने काफ़ी बार नाप करके देखा, तो मैंने सोचा आपको एक बार दिखा दूं कि इसमें कितना बड़ा डिफरेंस होता है। और मैं आपको इसका साइज दिखा देता हूं, तो ये आप देख सकते हैं 1 mm इस पर लिखा है, लेकिन रियल में बहुत ही बारीक है। इसको हम गेज करके भी देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तार हैं, 1 mm लिखा है, लेकिन रियल में ये आधा mm भी नहीं है। तो इसको हम एक बार गेज करके देखते हैं कितना पतला इसके अंदर वायर है। एक तार को निकाल लेते हैं, और ये हमारे पास माइक्रो गेज, इससे हम चेक करने वाले हैं इसको। तो भाई साहब ये जो है 36 नंबर के वायर के बराबर है, 19 पर आ रहा है, 0.19 mm, तो ये 36 नंबर का वायर का साइज है इसके अंदर, बहुत ही बारीक है। लेकिन जो भी है बारीक है मोटा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसकी लेंथ है वो इसमें काफ़ी डिफरेंस है, 91.44 लिखा है, और 80 मीटर भी पूरा नहीं है। तो अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलती रहे।